हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बीम। एचवीडीसी पार्ट टू में आपको स्वागत है। तो आपने पार्ट वन में देख लिया होगा क्योंकि टोटल सिस्टम का जो पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट हमने देख लिया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं मल्टीमीटर और मेरा जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है इसका यूज करके आपको टोटल सिस्टम का जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है उसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जनरेटिंग स्टेशन से शुरू करते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन में हम इसको ऑसिलोस्कोप को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा बीच में जो है, पहले लाइन वोल्टेज में आपको दिखा देता हूँ। इनपुट में थ्री फेज ऑल्टरनेटर से जो हमारा लाइन वोल्टेज आ रहा है वो 12 kV आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 12 kV AC थ्री फेज आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑसिलोस्कोप को लगा देता हूँ जिसके वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे AC है कि DC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC साइन वेव हमारा आ रहा है, थ्री फेज AC 50 Hz। तो यहाँ पे AC इनपुट आ रहा है, उसके बाद हमारा DC बन रहा है। इसको भी आप ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑसिलोस्कोप को लगा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 100C सप्लाई फ्रिक्वेंसी से डबल होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड है इसलिए थोड़ा सा रिपल है, कैपेसिटर लगा हुआ है फिर भी। तो उसके बाद हम पूरा मल्टीमीटर की तरफ चल जाते हैं क्योंकि मल्टीमीटर से हम तो DC वोल्टेज है इसलिए मैं डायरेक्ट 1000 वोल्ट पे रख रहा हूँ। उसके बाद एक एक करके हम मैं वोल्टेज चेक करता जाऊँगा, आप देखते रहे। तो यहाँ पे जो है कन्वर्टर स्टेशन का, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन से हमारा जो कन्वर्टर स्टेशन वन में पावर आ रहा है उसका लाइन वोल्टेज देख लेते हैं। इसका लाइन वोल्टेज हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 kV, मतलब 15 वोल्ट। तो उसके बाद यहाँ पे इस कन्वर्टर स्टेशन पर आने के बाद ये स्टेप अप हो रहा है। तो मैं स्टेप अप वोल्टेज आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये पॉजिटिव लाइन पे हमारा +250 वोल्ट के आसपास, यहाँ पे +250 वोल्ट, और नेगेटिव लाइन पे हमारा -280 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव लाइन पे हमारा मेन लोड अभी दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप इस पर आ रहा है। और लाइन वोल्टेज हम चेक करें लाइन टू लाइन, तो मल्टीमीटर पे देख सकते हैं यहाँ पे 520 वोल्ट यहाँ पे DC लाइन वोल्टेज बाई पोलर लिंक पे। तो स्टेप अप होने के बाद ये हुआ, साइड भी हमारा 11 kV स्टेप अप होने के बाद +-250 kV। ये दोनों लाइन हाई वोल्टेज है, इस पर हाथ रखने पे शॉक लग सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टर ग्लो कर रहा है, हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है दोनों लाइन पे, दोनों ही हमारा ग्राउंड से 2 पोटेंशियल पे है तो शॉक लग सकता है आपको, टच मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो रिसीव हो रहा है पावर हमारा, उसके बाद यहाँ पे स्टेप डाउन हो रहा है। तो स्टेप डाउन एक ग्राउंड रेफरेंस ले लेते हैं और पॉजिटिव से आपको दिखाते हैं +-33 kV। तो देखिए यहाँ पे 33 kV माइनस, 33 kV प्लस। तो इनपुट का जो आ रहा है प्लस माइनस, ये -250 kV और +250 kV। तो यहाँ पे +-33 kV, और यहाँ पे उसके बाद ये स्टेप डाउन होकर फिर +-11 kV। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर पे 11 kV। और उसके बाद डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमने यहाँ पे 415 वोल्ट उसको एज ए 5 वोल्ट ले लिया है, जिसके वजह से हम यूज़ भी लोड को चला पाए। घर पे जो अभी लोड नॉर्मली यूज़ होता है DC लोड मैक्सिमम। तो यहाँ पे टोटल सिस्टम का मैंने वोल्टेज आपको बता दिया। तो मैं आपको अब बताता हूँ यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे DC क्यों यूज़ करते हैं। तो DC का जो फास्ट एडवांटेज है, डिफरेंट यहाँ पे जो ग्रिड को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर 50 Hz का ऑल्टरनेटर है, 50 Hz का, 60 Hz का डिफरेंट वोल्टेज रीडिंग का ऑल्टरनेटर है, तो हम यहाँ पे जो है इसका पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। HVAC में ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। HVAC में आपको सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वोल्टेज, सेम सीक्वेंस, सेम पोलरिटी का होना चाहिए पावर सोर्स, तभी आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन HVDC के अंदर यहाँ पे आपका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटर भी होगा, तो उसको DC में पहले कन्वर्ट कर लेना है। DC में पैरेलल ऑपरेशन का दो ही कंडीशन है, एक तो दोनों का पोलरिटी सेम होना चाहिए और दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट, यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटर जो है 50 Hz का है, वहाँ पे 60 Hz का, या 0 Hz का सोलर पैनल, ये तो सभी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से बिलोंग करते हैं, बट सबको पैरेलल यहाँ पे कनेक्ट किया है ग्रिड पे, यही HVDC का फर्स्ट बेनिफिट है। उसके बाद DC पे ट्रांसमिट करने पे पावर का जो है, यहाँ पे 2 वायर लगता है, 3 फेज में 3 वायर लगता है, अगर डबल सर्किट होगा तो 6 वायर। तो यहाँ पे 6 वायर की जगह पे
3 वायर, 2 वायर से प्लस माइनस का काम हो जाएगा, और शॉर्ट डिस्टेंस है तो 1 वायर। तो उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट हमारा जो है, यहाँ पे जो टावर का स्ट्रक्चर का साइज है कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 वायर लग रहा है, और 2 वायर से ऐसी 6 वायर के तुलना में 5-6 गुन ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देख लेते हैं। एक तो टावर का साइज छोटा आ रहा है, इंसुलेटर भी कम लग रहा है, क्योंकि इंसुलेटर का जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता है वो HVAC में कम होता है, लेकिन HVDC में 100% होता है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस कोई डिस्चार्ज मतलब लीकेज करंट नहीं जा रहा है, इसके वजह से कोई वोल्टेज अनबैलेंसिंग नहीं हो रहा है, हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस में सेम वोल्टेज हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे इंसुलेटर भी कम लग रहा है, वायर भी पतला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्किन इफेक्ट कम है, HVAC में स्किन इफेक्ट की वजह से पूरा वायर यूज नहीं हो पाता है, सिर्फ आउटसाइड का एरिया करंट फ्लो करता है, इनसाइड हॉलो करंट जीरो रहता है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। लेकिन HVDC में इस तरह का कुछ भी नहीं है, पूरा वायर में करंट जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे I2R लॉस हो रहा है, लेकिन HVDC में I2R, लाइन चार्जिंग करंट और ग्राउंड कैपेसिटेंस और स्किन इफेक्ट, उसके साथ XL का ड्रॉप, ये सभी होता है, और वहाँ पे एक पावर फैक्टर VI cos theta, तो पावर VI cos theta है, इसलिए वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है, cos theta पावर फैक्टर, एक्टिव पावर बाय अपेरेंट पावर, इसका जो रेशियो है HVDC में 1 है, HVAC में 0.8-0.6 के बीच में लाई करता है। तो इस तरीके से बहुत सारा फैक्टर है जिसके मदद से हम जान सकते हैं कि 500 किलोमीटर के अगर ऊपर जाना है तो HVDC इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि 500 किलोमीटर के ऊपर HVDC के अलावा आप पावर को 500 किलोमीटर से दूर भेज ही नहीं सकते, एक साइड से भेजेंगे दूसरी साइड पे 50% लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वन नेशन वन ग्रिड, इंडिया का जो स्लोगन है वन नेशन वन ग्रिड, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे इंडिया का जो बैकबोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बैकबोर्ड है उसको HVDC में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे टोटल सिस्टम का एक ओवरव्यू देख लिया होगा, तो इसके बारे में थियोरेटिकल वीडियो एक नेक्स्ट आएगा, उसके अंदर टोटल थियोरेटिकली आपको बताऊंगा कि इसके HVDC का क्या क्या बेनिफिट है, और कुछ बेनिफिट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है लैंड का जो टावर का साइज छोटा हो रहा है, इसलिए लैंड का रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, अगर हम एग्जिस्टिंग HVAC लाइन को अगर DC में कन्वर्ट करते हैं 1 DC, तो वहाँ पे कम जगह के अंदर आप 10-20 गुना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम DC को प्रेफर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी के घर के जो भी लोड चलाते हैं SMPS लोड, BLDC फैन या लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, सभी कुछ DC में ही चलता है, और इंडस्ट्री में भी आपका जो VFD है, और अभी जो जितने भी मोटर आ रहा है वो VFD से कंट्रोल हो रहा है, तो VFD जो है DC पहले AC को DC में कन्वर्ट करता है, उसके बाद DC को फिर से अपने इन्वर्टर में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे भी DC यूज़ हो रहा है। अभी जितने भी आप एप्लीकेशन देखेंगे DC पे यूज़ हो रहा है, और HVDC का और एक फायदा है कि ग्रीन एनर्जी को आप इजीली एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको सपोज इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको पावर भेज रहा है, तो HVDC एक मात्र उपाय है। तो इंडिया में हमारा काफ़ी सारा HVDC लिंक है अभी एग्जिस्टिंग, तो एक का नाम है अलीपुरद्वार टू आगरा एंड मिसोरल चावल, ये प्लस माइनस 400 KV का HVDC लिंक है, तो उसको ही हमने थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया है यहाँ पे। और एक चीज़ है यहाँ पे ड्रॉबैक, जो HVDC है यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का जो वोल्टेज रेटिंग रिक्वायरमेंट है थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉस्टली है, और यहाँ पे HVDC में स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर काम डायरेक्टली नहीं करेगा, तो यहाँ पे कॉन्वर्टर स्टेशन आप यूज़ किया रहे हैं, तो कॉन्वर्टर स्टेशन जो है थोड़ा सा कॉस्टली है HVAC के तुलना में, तो यहाँ पे दो ही ड्रॉबैक है। पहले के ज़माने में HVAC पॉपुलर हुआ था इसी कारण से कि ट्रांसफॉर्मर इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहा था रेगुलेटर में इन्वर्टर के बाद, बट अभी HVDC थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, बट ट्रांसफॉर्मर का इम्पोर्टेंस अभी भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमिशन पे आप DC कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी धीरे धीरे DC आ रहा है। तो आपको 2050 के अंदर टोटली पूरा सिस्टम DC भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस काफ़ी कम है, एफिशिएंसी अराउंड 90% के अभाव है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।